कार्डिनल रूल्स हैं, ये हमेशा हमको ध्यान रखना होगा व्हेन एवर वी आर बिल्डिंग इट, और यही हमें चीजें अपनी टीम में भी एज यूजुअल ऊपर से नीचे तक सेम चीज बतानी होगी. सबसे पहला चीज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है चेक योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू. अब जाहिर सी बात है हम लोग बोलते हैं एम्वे बिजनेस इज इंडिविजुअल बिजनेस, लेकिन इंडिविजुअल बिजनेस का मतलब क्या, कोई ना कोई कभी ना कभी नया होता है राइट, लेकिन जो अपलाइन होता है, जो ग्रोइंग अपलाइन होता है, उनमें डिफरेंस ये है कि वो कुछ समय पहले इस बिजनेस में आए हैं राइट, हमसे कुछ समय पहले आए हैं, हमसे थोड़ा सा बेहतर जानते हैं. सो ऑब्वियसली जो पाथ है, जो हर्डल का पाथ है, वो उसको क्रॉस करते हुए आके आगे चले गए हैं. तो जाहिर सी बात है अगर हम एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे तो हम बड़ा बिजनेस कब करेंगे. इसीलिए कहा जाता है कि कुछ एक्सपेरिमेंटेशन या कुछ चीज नया करने से पहले, क्योंकि सिलेबस रिमेन सेम इन द बिजनेस, सिलेबस अगर सेम है तो अगर हम एज इट इज उसको फॉलो करते हैं तो हमारे लिए ही बिजनेस बिल्ड करना इजी हो जाएगा. कहते हैं कि इस बिजनेस में अपना दिमाग अननेसेसरी लगाने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि वही चीज अगर सेम चीज को हम फॉलो करते चलेंगे जो हमारा डिफिकल्टी है वो कम हो जाएगा, और हमारा सेम काम इजी टाइम पे, कम टाइम पे, टाइम कंज्यूम करते हुए प्रॉपर पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ आपके सामने आएगा, क्योंकि अपलाइन उस रास्ते से ऑलरेडी चला जा चुका है, उनको ऑलरेडी वो सारी चीजें आती हैं. तो कुछ भी अगर नया हमारे दिमाग में आता है तो मैं एक बार को कंसल्ट जरूर करती हूँ मिस्टर बोस से, एक बार को जरूर पूछती हूँ कि सर इस चीज को करें या अगर ऐसे करना है तो किस तरह से करें. तो क्या होता है, मिस्टर बोस बहुत ही प्यार से उसको गाइड कर देते हैं, दीप्ति देखो ये पाथ है, ऐसे करोगे तो बेहतर हो जाएगा. इसका मतलब ये नहीं कि ही इज इंटरफेयरिंग, इसका मतलब ये है कि ही इज शोइंग द पाथ, और अगर मैं उस चीज को फॉलो करूंगी तो मेरा ही अच्छा होगा. तो अगर हमको कोई भी चीज नया करना है तो हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने अपलाइन से एक बार जरूर कंसल्ट कर ले और उसको देन हम उस चीज को करें. दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव, नेवर एवर पास एनी नेगेटिव टू डाउनलाइन और क्रॉसलाइन. देखिए नेगेटिव डाउनलाइन क्रॉसलाइन ही का नहीं मेरा मतलब है, नेगेटिव पास ही क्यों करना है, नेगेटिव के बारे में डिस्कशन ही क्यों करना है, नेगेटिव के बारे में हमारे लाइफ में चर्चा ही क्यों होनी है, हमारे डीएनए में जो इम्प्रिंट है वो नेगेटिव क्यों हो, व्हाई कांट वी थिंक पॉजिटिव. और अगर कोई, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, हमारा इमोशंस होता है कभी लो कभी हाई, कभी हम लोग ऊपर जाते हैं, जैसे यू नो लाइफ ऐसे करके चलती है, लाइफ कभी भी स्ट्रेट पाथ में नहीं जाता है, अगर स्ट्रेट पाथ हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे. तो कभी भी ऊपर नीचे अगर जा रहा है लाइफ और हमारा अपना फीलिंग्स लो है तो हम नेगेटिव होना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है. लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई नया इंसान है, आपका नया है जो डाउनलाइन इस बिजनेस में छोटे बच्चों की तरह होते, अगर हम अपने बच्चों को घर पे नेगेटिव पास करें तो कैसा रहेगा, क्या हमारे घर पे एक हेल्दी एनवायरमेंट रहेगा. अगर हमारे घर में हेल्दी एनवायरमेंट नहीं रहेगा तो सोचिए क्या हमारा, अगर वही चीज हमारे इस बिजनेस को देखे जो कि हमारा परिवार है और सारे डाउनलाइन हमारे अपने बच्चे हैं, उनको अगर हम नेगेटिव पास करेंगे तो क्या हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा. हमको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कभी भी नेगेटिव हम वहां पर फील कर रहे हैं तो एक ही सोर्स है उसको शेयर करने का है, वो है अपलाइन. आप अपलाइन को जरूर उसको बताइए कि ये मेरे दिमाग में चल रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है. आपको देखेंगे विद इन नो सेकंड्स वो ग्रोइंग अपलाइन आपको हेल्प करेंगे, स्पेशली प्लैटिनम एंड अप, क्योंकि उस लेवल पे वो पहुंच करके आगे बढ़ चुके हैं. और क्रॉस लाइन को तो बिल्कुल ही नहीं, क्रॉस लाइंस आर लव लाइंस. क्रॉस लाइन का मतलब है आप उनसे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात करें, सिर्फ और सिर्फ बताए वाओ अमेजिंग, आप एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करिए, बात करिए, लेकिन कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव टॉक्स नहीं होनी चाहिए. इससे ओवरऑल आप देखेंगे शुरू में तो आपको लगेगा यार एक नेगेटिव ही तो बात कर दी, लेकिन उसका बीज हम गलत बो देंगे और हमारा जो फ्लावर होगा या हमारा जो प्लांट ग्रो करेगा जिससे बाद में फ्लावर्स आएंगे, जिससे और लॉन्ग टर्म में उसका रिपरकेशन बहुत 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 खराब होता है एंड इट हैम्पर्स द कंप्लीट ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. ये एक प्रॉब्लम आ जाती है, तो कभी नहीं करना चाहिए. तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट हर्ट एनीबडीज ईगो. It is not just about Amway business. It is about anywhere. क्यों करना है किसी को hurt? कहते हैं ना कि कोई चीज ऐसी मत करो जो आपको तकलीफ दे रही है. अगर कोई चीज आपको तकलीफ दे रही है, आप सोच के देखो तो दूसरे को भी उतनी ही तकलीफ देगी, हो सकता है उससे ज्यादा तकलीफ दे दे. क्यों करना है वो चीज? ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट क्यों जाना है? हमारे नेचर में ईगो, ह्यूमन नेचर में किसी को तकलीफ देना नहीं है. ये हम लोग बाहर से लेकर के आते हैं, ये ह्यूमन नेचर में नहीं होता है, लेकिन हम
कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी हम में इतनी भर जाती है कि हम दूसरे को टॉन्ट करते ही हैं, हम दूसरे के बारे में बोलते ही, हम किसी को हर्ट ईगो करते ही। अगर ईगो हम किसी की हर्ट करेंगे तो कभी भी एक कंप्लीट रिलेशन नहीं रहेगा, एक कंपटीशन की भावना आ जाएगी। और एक ये इकलौता बिजनेस पूरे अर्थ पे कहती हूँ मैं तो, पूरे यूनिवर्स में कहती हूँ कि इतना दिल का बिजनेस है कि ये कम्पीट करके कराई नहीं जा सकता है। ये हम लोग एक दूसरे को कम्प्लीट करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए बिजनेस है। जहाँ संपूर्णता आ जाती है ना, वहां ईगो हर्ट करने की बात नहीं आती है। तो हमको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हम किसी को भी अपने शब्दों से या किसी को भी हम अपने किसी एक्टिविटी से, हमारे किसी एक्शन से किसी की ईगो को ना हर्ट करे, किसी को तकलीफ ना दे। अगर हम ये चीज करेंगे तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली लैडर हाई पे ही जाएगा, कभी वो नीचे नहीं आएगा, राइट? और ये मतलब ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। हमें इस बिजनेस को ना ह्यूमन नेचर को लेकर के संग चलना है। हमें अपने विपरीत नहीं जाना, अपने फॉर्म में हमारा जो अंतरात्मा कहती है उसको करना, और अंतरात्मा किसी को नहीं कहती कि ईगो को हर्ट करो, तो हमें उस चीज को करना है। फोर्थ थिंग वेरी इंपॉर्टेंट अगेन होता है मनी। डोंट एवर मेस विथ एनीबडीज मनी, बिग मेक इट कैश एंड कैरी। कहते ही है ना कि जहां पे पैसे का लेन देन गड़बड़ हो जाएगा आपका रिलेशन खराब होना ही होना है। आप सोचो आपने अपने अपलाइन से कुछ पैसे लिए हैं या कहीं पे पैसे का लेन देन हुआ है, आप काउंसलिंग में जा रहे हो या कोई भी डिस्कशन हो रहा है, आपके दिमाग में यही बैठा रहेगा यार इसने मेरे को पैसे नहीं दिया वापस, क्या आप उसकी काउंसलिंग कर पाओगे? सिमिलरली सोच के देखो, आपने अपलाइन से लिया हो और अपलाइन के दिमाग में यही चल रहा हो कि यार ये आएगा ये पैसे अगर नहीं देगा तो क्या अपनी फुल फ्लेजेड वे में वो आपको अपना ज्ञान दे सकते हैं जहां पे मनी मैटर्स आ जाए? नहीं दे सकते। तो जहां पे भी देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई सीडी देते हो तो वो सीडी एक हाथ लीजिए एक हाथ पैसे दीजिए। अगर कोई प्रोडक्ट लेते हो तो तुरंत एक्सचेंज करके वो प्रोडक्ट को दे दीजिए। अगर कोई पैसे होते हैं, कोई टिकट के पैसे हैं या कुछ है, तुरंत को आजकल तो डिजिटल जमाना है, कोई जरूरत ही नहीं है कैश करने का। आप इमीडिएटली गूगल पे करिए, डिजिटल ट्रांसफर करिए और उसको कम्प्लीटली बैलेंस करिए। इस बिजनेस को अगर अलग करना है रिलेशंस के साथ, अगर इसको बड़ा बिल्ड करना है, क्योंकि छोटे मोटे खिटपिट अगर आप होते रहेंगे तो ये बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता है, राइट? तो ये हमें बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन हमेशा क्योंकि ये अगर ध्यान रहेगा तो हमारा बिजनेस कभी भी खराब नहीं होगा और अगले का भी नहीं होगा। हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा। फिफ्थ पॉइंट इज डोंट एवर मेस विद एनीबॉडी स्पाउस। ऑब्वियस, व्हाई? सिंपल बात है। जैसे क्या होता है ना कि ये बेसिकली जेंडर ओरिएंटेड बिजनेस तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अगर आप अपने सिमिलर जेंडर में बात करोगे या अपने सिमिलर जेंडर में कॉन्टेक्टिंग करोगे तो आपका रिलेशन हेल्दी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी तो खैर हम लोग सब लोग डिजिटल हो गए हैं, लेकिन जब डिजिटल नहीं थे, इवन ओपन मीटिंग्स में हम जब जाएं या कहीं पर भी हम जाएं, अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो कभी भी ये देखिए कि हस्बैंड वाइफ के बिना आपके संग मूवमेंट ना करे किसी लेडी के संग। सिमिलरली वो अगर आप ड्राइव कर रहे हो और किसी हस्बैंड को कहीं अगर ड्रॉप भी करना है तो उनकी वाइफ संग में रहे, ताकि देखिए कोई आपका रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर लोग ये बोल सकते हैं कि देखिए एमवे में तो ये होता है, जबकि एमवे इज अ प्लेस जहां पे फीमेल्स, स्पेशली फीमेल्स आर रिस्पेक्टेड लाइक गॉडेसेस। आप अगर किसी भी ओपन मीटिंग में हमारे जाओगे, कोई भी अगर लीडर है वो उठ करके आपको जगह देंगे ही देंगे। क्यों नहीं हम इस चीज को आगे भी करें? क्यों नहीं बाहर लोगों को रियल बताएं कि हम लोग आखिर में रिलेशनशिप्स को रिस्पेक्ट करते हुए इस बिजनेस को करते हैं, राइट? इट्स अ सेफेस्ट प्लेस आफ्टर योर होम, एनी मीटिंग्स, एनी एमवे ऑफिस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मेसिंग नहीं है किसी चीज के संग। जब आप मेस नहीं कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी ग्रोथ का ही काम देगा, कभी भी डीग्रोथ नहीं होगा। तो ये चीजें हमें, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इसको चीजों को ध्यान रखेंगे तो हमारा बिजनेस मैसिव ह्यूज हो सकता है। अभी हम लोग फॉरेन ट्रिप्स में भी जाते हैं, राइट? घूमते हैं फिरते हैं सारी चीजें, लेकिन एक हमारा दायरा है। हम लोग सारी मस्तियां करते हैं लेकिन एक लिमिट है, बिकॉज वी ऑल नो हु वी आर, हमारी फैमिलीज क्या है, हमारा रिलेशनशिप क्या है। और एक एमवे फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है, राइट? उसको हमें इंटैक्ट रखना है, उसकी इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखना है। 6 कार्डिनल रूल्स है इस बिजनेस की इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी चीज ऐसी ना करे जो आपके अपलाइन को डाउनलाइंस या प्रोस्पेक्ट्स के सामने एम्बैरस होना पड़े। नेवर डू एनीथिंग ऑड व्हिच एम्बैरसेस अपलाइन इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन और प्रोस्पेक्ट्स। एक एग्जांपल दूंगी, लेट्स से क्योंकि
अपलाइन अगर कोई चीज कह रहा है कभी गलत हो ही नहीं सकता। कहते ही है कि अगर आपके माँ बाप के बाद कोई अगर आपका अच्छा चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका अपलाइन है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। रीजन भी क्योंकि आप अगर ग्रो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका अपलाइन ग्रो करेंगे, और जब ग्रोथ की बात आती है तो कोई किसी को तोड़ करके आगे इस बिजनेस में बढ़ नहीं सकते हैं। सिंपल सी बात है, लेट से अगर मैं खड़ी हूँ, अपनी एग्जाम्पल ले रही हूँ, और मेरे एक प्रोस्पेक्ट से मैंने मिस्टर बोस को मिलाया, मिस्टर बोस ने मुझे शायद कुछ और बोला होगा लेकिन वहां पे कुछ और बोल रहे हैं क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट है। मिस्टर बोस अगर कोई चीज बोल रहे हैं, हो सकता है मेरे मन में कुछ सवाल आ जाए कि ये तो सर ने नहीं मुझे बताया, ये यहाँ क्यों बोल रहे हैं। अगर मेरे मन में सवाल आया तो मेरा एक ड्यूटी है कि अगर मेरे क्वेश्चन है तो मैं उस प्रोस्पेक्ट के सामने क्वेश्चन ना करके मिस्टर बोस को मैं अलग से, जब साइड में बाद में अकेले में सर के संग हूं, तब मैं पूछूं, सर मैं यहाँ पे आई बेग टू डिफर फ्रॉम यू, ये आपने क्यों बोला। नेवर डू इट इन फ्रंट ऑफ दैट प्रोस्पेक्ट, क्योंकि वो नया है, वो आपके बिजनेस में आ रहा है, उस समय की जो रिक्वायरमेंट है वो देख करके मिस्टर बोस ने बोला, वो मेरे को शायद समझ में भी नहीं आया, उन्होंने कितना समय आगे जा करके सोचा, उस समय मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में जब मैंने समझा तो शायद उसका रीजन ये निकल के आया तब मुझे। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन भी है तो नेवर डू थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द डाउनलाइन एंड प्रोस्पेक्ट्स बिकॉज दे आर न्यू पीपल। यहाँ पे आपको टीम को जोड़ करके रखना है, ना करके तोड़ करके। तो अगर आपको अपनी इंटेग्रिटी, अगर आप जितना विश्वास अपने ऊपर करते हैं, अपने ऊपर हम फेथ करते हैं राइट, ईश्वर पे हम फेथ करते हैं, उतना ही फेथ एम्वे बिजनेस और ब्रिट पे अगर करेंगे और इन कार्डिनल रूल्स को फॉलो करेंगे विथ फुल इंटेग्रिटी, हमारा बिजनेस हेवायर्ड कहीं जा ही नहीं सकता। और जब हेवायर्ड नहीं जाएगा तो वो ग्रोथ ही पकड़ेगा और वो मैसिव ग्रोथ की तरफ जाएगा, एंड वी विल ऑल डू इट टुगेदर विद द कार्डिनल रूल्स, कीपिंग देम ऑलवेज इन आवर हार्ट्स एंड माइंड्स, बिकॉज ये हमारे को हेल्प करेगा कि अगर हम कोई भी चीज गलत करने जा रहे हैं या कोई भी गलत स्टेप बाय चांस भी लेंगे तो ये हमको चेकलिस्ट में होना चाहिए कि ये चीज तो नहीं करनी है हमको, टू मेंटेन आवर ओन इंटेग्रिटी। सो दिस वाज माय पार्ट, थैंक यू सो मच मिस। मैं दो भी चीज बोलूंगा जो मैंने उनसे सीखा है, क्योंकि मेरा काम यहाँ सिखाना नहीं है, मेरा काम है यहाँ पे जो मैं सीख चुका हूँ वो बताऊंगा। आई होप कि आपको मजा आने वाला है और आप देखिए कि क्या चीजें बोलने जा रहा हूँ। तो अभी जो दीप्ति जी ने बहुत बढ़िया बताया, सिर्फ कार्डन रूल जिसमें कि आपको बोला गया कि नहीं करना है, तो ज्यादा चीज तो नहीं करनी है, छह चीज तो बताई नहीं करनी है, मैं सिर्फ तीन चीज बताऊंगा जो आपको करनी है, तो करने वाली चीज छोटी हो गई लेकिन उसमें पावर बहुत है। तो आइए देखते हैं इसको। और मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम सुजात है और मेरी वाइफ रचना है और हम लोग रिटायर्ड कंप्यूटर प्रोफेशन से हैं। इस बिजनेस को जब हमने देखा था तो हमें कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी थी, जैसे सिर्फ कार्डन रूल बताया गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सब चीजें नहीं होती। तो आज हम यहाँ पे बिजनेस में जो हमने सीखा है वो हम बताएंगे। थ्री पावर्स में क्यों कहा गया है, क्योंकि बिजनेस को किसी भी चीज को चलाने के लिए एक पावर की जरूरत होती है, तो एक बिजनेस है इसको भी हमारे पावर है। अब ये पावर क्या है इसको थोड़ा समझेंगे। ये देख रहे हैं मैंने बिजली का कुछ लगा दिया है और हाथ से बिजली नहीं पकड़े, मैंने दिखा रहा हूं कि पावर पहले हमारी मुट्ठी में क्या है, पावर ऑफ यूनिटी है ना। सेकेंड हमारे पास क्या है, पावर ऑफ सबमिशन, ठीक है। और थर्ड जो है वो पावर ऑफ वर्ड। तो आइए मैं बताऊंगा कि इसमें एक एक पावर को लेके मैं चलूंगा कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी टीम में। ये मैंने बोधी ने मुझे भेजा था, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया इसको कि मेरी जो टीम है वो उसका मैं एग्जाम्पल खुद सेट करता हूँ, यानी जो मैं करता हूँ वो मेरी टीम मेरे को फॉलो करती है, वो नहीं कि जो मैं कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको करने वाली है, जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं इसमें सीखा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको। पावर ऑफ यूनिटी क्या है, इट्स ए टीम दैट वर्क, ये टीम की बॉन्डिंग के लिए है। जो हम इतना बड़ा एसोसिएशन खड़ा कर रहे हैं उसकी बॉन्डिंग कैसी होगी, ये पावर ऑफ यूनिटी पे काम करता है। इसके लिए क्या है, यूनिटी विद स्पाउस, यस, ये पहला यूनिटी है जो हमारे घर से फैमिली से स्टार्ट होती है। अगर हमारे बीच में बॉन्डिंग अच्छी है तो यकीन मानिए हमारी जो हमारी टीम आएगी उसके बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। अगर मेरे घर की बॉन्डिंग गड़बड़ है तो शायद मुझे लगता है कि बाहर की मैं बॉन्डिंग अच्छी कर पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी जो स्पाउस है, जो भी जिसके स्पाउस है, या हस्बैंड अगर बिजनेस कर रहे हैं या उसकी वाइफ कर रही है, आपके जो स्पाउस है वो आपकी फैमिली है और वो पूरी फैमिली के साथ बाउंडेशन जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यूनिटी विद अपलाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मेरा अपलाइन का मैं एक पार्ट हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो अगर मैं उनके साथ में उनसे सीख रहा हूं
है ना, उनके उनके टच में हूँ, तो मैं उनकी यूनिटी में रहूंगा, जो वो बोलते हैं तो मैं उनके साथ में हूँ, है ना, मैं उनकी यूनिट एक यूनिट हूँ उसके लिए। तो वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, जो मुझे समझ में आया कि जहां पे मेरे अपने ने जब भी कुछ बोला तो मैंने कहा यस सर, हमने हमेशा ये सोचा कि हमारा अपने जो कह रहा है मेरे फायदे के लिए कह रहा है, तो जो भी अपलाइन कहेंगे, अगर ग्रोइंग अपलाइन हमारे हैं जो भी कह रहे हैं, तो हम उसको उसकी यूनिटी में। और थर्ड चीज जो मुझे समझ में आई, यूनिटी में टीम, यस, मेरी टीम में कोई एक बंदा भी आया है, वो भले ही उसके अपलाइन कई होंगे, लेकिन अगर मेरी टीम में आया तो मैं पहले हाथ मिलाऊंगा जाके उससे, मैं पहला रिलेशन करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि टीम में कोई और उसके पास जा रहा नहीं जा रहा है, मुझे फर्क पड़ता है कि बंदा अगर आया है मेरी टीम में तो वो मेरी टीम का पार्ट है, मेरे को जाके उसके हैंड शेक करना है, ना कि मैं वेट करूं कि वो आके मेरे से हैंड शेक करे। ये मुझे समझ में आया, इससे करने से मेरी टीम की यूनिटी बहुत अच्छी हुई, है ना। अगर मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिससे मैं यूनाइटेड हूँ, तो मेरी इंटायर टीम बहुत ही यूनाइटेड फैमिली होगी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे साथ, जो मेरे अपलाइन ने मेरे को समझाई, और वाकई में इसमें मेरे को बहुत ग्रोथ नजर आई, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम थे हमारा माइंडसेट कुछ और था। ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम को अगर हटा दीजिए एमवे बिजनेस से, तो मुझे लगता कि मेरे लिए तो बहुत इम्पॉसिबल था इस एमवे बिजनेस को करना। तो ये ब्रिट जो सिस्टम है, इसके फंक्शन है, जो भी अभी आपने आप देखेंगे सुनेंगे अभी आप आगे में, ये फंक्शन जितनी भी चीजें हैं, इसको इसके हम एक पार्ट है। ब्रिट कोई एक आदमी नहीं है, ये एक एजुकेशन सिस्टम है, इसके हर आदमी एक पार्ट है। तो ये पूरी यूनिटी है ना, इस यूनिटी को हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब इससे एसोसिएटेड रहेंगे तो हर टीम एक ही डायरेक्शन में सोचेंगे, ठीक है। चलिए, इस चीज को मैंने यहाँ कवर किया। और अब नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे बोलना चाहूंगा, ये मैंने आपको अंगूर दिखाया, ये खाने के लिए नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया 100 रुपए किलो है, आप खरीद सकते हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो नेचर से मैंने सीखा कि 100 रुपए का है अंगूर, और सेकंड देखिए ये अंगूर है 40 रुपए किलो है, फर्क क्या हुआ। ये 100 रुपए में इसमें डंडी भी है, पत्ते भी हैं, लेकिन ये 100 रुपीज केजी है। यूनिटी की एग्जाम्पल देखिए, ये 40 रुपए का बिखरा हुआ है, इसे कोई नहीं लेगा। यानी अगर हम अपने टीम से बाहर हो गए, अपने अपलाइन की यूनिटी से बाहर हो गए, तो हमारा मोल खत्म हो जाएगा, हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। इस बिजनेस में बहुत दिन मैं टिक नहीं पाऊंगा, मुझे समझ में आ गया था, इसलिए मैं हमेशा अपने अपलाइन को पकड़े रहता हूँ, इसके कहीं मेरा अपलाइन मेरे ना छोड़ दे, ठीक है। चलिए, ये है, और यहाँ पे मैंने ये लिखा है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, है ना, कि अगर हम साथ में हैं तो हम खड़े रहेंगे, और अगर हम अकेले हो जाएंगे, सोचे कि सब कुछ मैं अकेले कर सकता हूँ, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये मुझे समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट करते हैं पावर ऑफ सबमिशन। क्या है पावर ऑफ सबमिशन? जो मेरे को समझ में आया, सबमिट फॉर ए मिशन, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबमिशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ी चीज में यहाँ पे ये है कि सबमिशन टू गोल। मेरे को समझ में आया कि इस बिजनेस में अगर मैं हूं, मैंने गोल सबमिट बनाया हुआ है, तो मुझे उस गोल के प्रति अपने को समर्पण देना होगा, उसके लिए मुझे एक्शन लेना होगा, उसको अपने अपलाइन को उसमें इन्वॉल्व करना होगा कि सर मैंने ये गोल लिया है, उनको सुनना होगा, वो सबमिशन उनको मानना पड़ेगा, अपना ब्रेन अलग रखना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी काम है, जैसे उन्होंने बोला, तो यहाँ पे मैं हार्ट से काम करेंगे, हमारा दिल इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है। सबमिशन टू यस अपलाइन, खाली कह देने कि हमारे अपलाइन है, अगर मेरा अपलाइन किसी को फॉलो कर रहा है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि हमारे अपलाइन सारे अपने अपने अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने उनको देखा और वही चीज हमने भी समझा, और हमारी टीम भी वही चीज देख रही है कि हम अपने अपलाइन से कितने एसोसिएटेड हैं, हर चीज उनसे पूछते हैं, ठीक है। सबमिशन टू टीम, यस, जैसे मैंने पीछे बताया कि सबमिट में कोई भी टीम में बंदा आया, डायरेक्टली मुझसे आके मिल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस टीम में किस लेग में ज्वाइन किया हुआ है, उसको मैं उतना ही प्यार दूंगा जो मैं अपने फ्रंटलाइन को दूंगा, उतना ही वो मेरा बच्चा वैसे ही है। तो ये मुझे समझ में आ गया था कि मेरी टीम मेरे के लिए मुझे सबमिशन होना है, सबमिट करना उसके लिए। और सबमिशन टू बिटवाइज सिस्टम, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे वही चीज है कि सिस्टम के प्रति मेरे को दिल से उसको सबमिट करना। और सबमिशन इज की ऑफ सक्सेस, अगर हम प्रॉपर सबमिट कर रहे हैं तो ये हमारे सक्सेस की सबसे बड़ी की हो सकती है, ये मुझे समझ में आ गया। और जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते हैं, इट इज वेरी इजी टू डिफीट समवन, बट इट इज वेरी हार्ड टू विन समवन। अगर हम बहुत आसान है किसी को हम डिफीट कर सकते, बट अगर किसी का दिल जीतना है ना, तो ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आपने जीत लिया तो फिर आपने सब कुछ जीत लिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए है वो पावर ऑफ वर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आई, और इसमें मेरे अपलाइन ने मेरी बहुत मदद करी, है ना, हमारे डॉक्टर डॉक्टर के बी श्रीवास्तव का मैं आसान मंद हूँ, डॉक्टर ममता
कभी भी मुझे को नेगेटिव बोलने नहीं दिया, कभी मैंने उनको नेगेटिव बोलने की कोशिश की तुरंत बंद कर दिया। मेरा सबसे वीक पॉइंट मेरा यही था जो मैंने यहाँ पे आके सीखा, बी फर्म एंड स्पेसिफिक। हम क्या चाहते हैं लाइफ में उसको हमें क्लियर करना पड़ेगा, वो हमारे जो हमारे वर्ड्स निकल रहे हैं उसको हमें चूज करना पड़ेगा किसी के लिए भी। तो पहला चीज क्या है यहाँ पर जो मैंने लिया है, वर्ड्स हैव द पावर। जो आप जो भी शब्द बोलते हैं उसमें पावर है, अगर मैं बोल रहा हूँ उसमें पावर है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वो मेरे कंट्रोल में है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे सीखा कि जो चाहते हो वही बोलो, है ना, जो मुझे चाहिए मैं हमेशा वही बोलता हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे जो है, आइदर वी बिल्ड द हेल्थ और वेल्थ बाय सेइंग पॉजिटिव वर्ड और लूज दैट, या तो मैं अपनी हेल्थ कमाऊंगा या वेल्थ कमाऊंगा जैसा मैं चाहूंगा वैसा। अगर पॉजिटिव बोलूंगा तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, अगर नेगेटिव बोलूंगा तो वो जो भी नेगेटिव मिलने वाला, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, और जो यहाँ पे नेक्स्ट है, स्पीक पॉजिटिव में क्या करना है, मैंने लिखा है फॉर आवर स्पाउस, अपने स्पाउस से भी हमें पॉजिटिव बोलना है, ये नहीं कि वहां पे नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। स्पाउस एंड हेल्थ, मैंने हेल्थ क्यों लिखा है, स्पाउस के साथ में, अगर मैंने अपने स्पाउस से नेगेटिव बोला तो मेरी हेल्थ तो खराब होने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर अपनी हेल्थ भी अच्छी रखनी है। उसके लिए जरूरी है कि अपने स्पाउस से, प्लीज मुझे समझ में आया कि मैं हमेशा पॉजिटिव होता। ठीक है, और नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर है, अपनी टीम के लिए, कि ये, पहले मेरी कंप्लेनिंग मोड रहता था कि ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा, इधर नहीं कर रहा, तो मैंने अपने लिए समझाया कि आप तो काम करना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं। मैंने कहा यस, मुझे काम करना, मेरी सब टीम काम करी, मैंने पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया अपने अपनी टीम के लिए, तो उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। नेक्स्ट क्या है, अपने हमारा मेंटर है, ठीक है, जब तक तो मेरे लिए काम कर रहा है वो मेरा मेंटर है, नहीं काम करेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो मेरा मेंटर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को समझ में आ गया मेरा मेंटर है, उसकी ब्लेसिंग मेरे लिए जरूरी है, उसका होना मेरे लिए जरूरी है, वो मेरे को सिखा रहा है, वो है तो मैं हूं, है ना। तो ये मुझे बोलना है कि थैंक गॉड मैं ऐसी टीम में हूं जिसमें मुझे इतने अच्छे मेंटर मिले, है ना, जो जो मेरी इंटायर टीम के लिए ब्लेसिंग। और बोलूंगा फॉरवर्ड गोल्स, हमको अपने गोल्स के लिए हमेशा बोलना पड़ेगा, जो भी मैंने गोल लिया मैं उसको दिन रात, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग को जरूर बोलते हैं, रात में सोते समय बोलते हैं, सुबह उठते तो बोलते हैं, हमने हर जगह लिख रखा है उसको, हम बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते हैं। और इनफैक्ट हम जितने भी हमारी टीम के लोग हैं, मैं उनसे हम लोग यही बोलते हैं कि आप अपने लिए वो बोले जो आपने गोल सेट किया है उसको बोलते रहिए, वो जब आप बोलेंगे तो वो जरूर होने वाला है आपके साथ। ठीक है, और यहाँ पे ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव, स्पीक वॉट यू वॉन्ट, डोंट स्पीक वॉट यू डोंट वॉन्ट। ये मैंने यही पर सीखा ब्रिटिश एसोसिएशन में अपने अप्लाइंस से, कि हमें वो नहीं बोलना है जो हम नहीं चाहते, हमें वही बोलना है जो हमें चाहिए। अगर हमें, मैं पहले बोलता था कि एग्जाम्पल देता हूँ कि ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है, तो मेरे अप्लाइंस ने कहा कि जो आप बोल रहे हैं आपको वही मिल रहा है, तो उसका उल्टा मैंने शुरू कर दिया, ये काम कर रहा, वो काम कर रहा, ये सारे, तो वही उल्टा होना शुरू हो गया, सब काम करना शुरू कर दिए, है ना। तो ये चीजें मेरे लिए मिरेकल साबित हुई, और डेफिनेटली ये काम करते हैं, ये पावर्स काम करते हैं, ये पावर्स काम करते हैं, हमारे अंदर ये पावर्स हैं जो गॉड ने हमको दे रखी है, ये काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू गेट नेगेटिव स्पीक पॉजिटिव लाउडर। अगर मेरे को कोई नेगेटिव मिलता था पहले, तो मैंने ये सुना तो मैंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मैं और स्पीड से और तेजी से मैं बोलता था कि नहीं, ये मेरे साथ पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, कोई नेगेटिव को मैंने पास नहीं देखा, मैंने उस पर पॉजिटिव हावी कर लिया। तो ये चीजें मैंने अपने अप्लाइंस से सीखा, सिस्टम से सीखा, और इसने मेरे को बहुत हेल्प किया इस बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए, टिके रहने के लिए। ठीक है, तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, आई होप मैंने अपने टाइम पे खत्म किया है। थैंक यू सो मच, बैक टू होस्ट।